अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इनवाइटेड हूँ इस्माइल की तरफ। ग्रैंड इफ्तारी प्लस डिनर है उनकी मस्जिद में, और उसने मुझे एज़ आ वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया हुआ है। तो ईद में भी तकरीबन एक दो दिन रह गए हैं, और मौसम आप देखें कितना प्यारा हुआ हुआ इस वक्त, बादल आए हुए। तो ईद में तकरीबन एक दो दिन रह गए हैं, और शलवार कमीज़ भी नहीं था ईद का मेरे पास, तो मैंने कहा आज ईद का शलवार कमीज़ भी ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं हम सीधा इफ्तार प्लस डिनर जो उसने मुझे इनवाइट किया हुआ है वहाँ पे, और फिर बाद में हम ईद के लिए शलवार कमीज़ भी लेने चलते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। यहाँ देखते हैं ज़रा क्या क्या मिल रहा है हमें आप खाने में। पुलाव है, कोरमा है, और ये पकौड़े हैं, समोसे हैं, शरबत वगैरह है। ये इस्माइल भाई के भाई हैं, छोटे भाई। फौरन सीधा हो गया, फौरन सीधा हो गया ये। हम लोग इधर अंदर बैठ के खाएंगे, इस्माइल से मिलवाता हूँ आपको। और काफ़ी बड़े, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इधर। हम लोग जा रहे हैं अंदर नीचे बेसमेंट में। अच्छा, ये सीन था। ये इस्माइल के छोटे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं ये बहुत बड़े। ये क्यों शर्माया है, शर्म आती है तुम्हें? ये इस्माइल भागे भागे गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब, थोड़ा मुंह लगा दें हमें, इधर सलाम ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम ले चुके हैं सलाम। थैंक यू। इस्माइल के भाई लाए हैं हमारे लिए चनों की पुलाव, चलेगी। हाँ, ये कोरमा भी है इधर, और अच्छा चम्मच भी है, मैं समझा हाथों से खानी है। कोरमा भी डाल दिया हमने। नान चेक करें आप, शादियों वाले। ये आप देख सकते हैं आइसक्रीम भी आ गई है हमारे साथ, आइसक्रीम। वीआईपी माहौल है यहाँ पर, फुल बहुत ही जमी भी है। बहुत ही वीआईसी माहौल है। जो मंजूर करवाना चाहता और आज की मुख्तसर गुफ्तगू का मौजू और मकसद वही हुई, कुरान मजीद फरमान हमीद की दो आयात मुबारक आपके सामने पड़ी है। कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़कर इस्म रब्बिही फ़ज़ल्ला। 2 hours later। ये कलर पसंद आया मुझे, ये डार्क ब्लू सा है लेकिन ये ब्लैक से मिलता जुलता है। ये जो मेरा ब्लैक कलर है ना, इससे मिलता जुलता है डार्क ब्लू। ये कलर है, ये देख सकते हैं आप, वीडियो में थोड़ा लाइट है लेकिन ये असल में काफ़ी डार्क है। ये इसके साथ यानी देखें, शीशा काफ़ी गंदा है, उसको इग्नोर करना है। कलर है तो ये मिलता जुलता लेकिन पसंद आ रहा है। ये ब्लैक से है मिलता जुलता लेकिन फिर भी पसंद आ रहा है। ये हसन अपने लिए ग्रीन देख रहा है। मसला अच्छा, एक क्या तुम 14 अगस्त पे निकलना है तुमने? ये देखो हैं, 14 अगस्त पे निकलना है। ये तुम्हारे नज़र आता है, 14 अगस्त पे निकलना है। 14 अगस्त के लिए ले रहे हैं। ये देखें अब आपको थोड़ा सा शायद सही, ये है कलर और अच्छा डिसेंट सा कलर है। ये हसन ने ले लिए हैं अपने दो शलवार कमीज। अभी हमारी एक दो जींस भी रहती है, मीडियम साइज।
अच्छा तो ये स्ट्रेचेबल है सारी? स्ट्रेचेबल वाली दिखाएं जरा, और पतली वाली दिखाएं। हाँ ब्लैक कलर में ही चाहिए मुझे भी, ब्लैक में। ब्लैक कलर में स्ट्रेच नहीं होगा, नहीं होगा यार, ब्लैक में तो होती है स्ट्रेच। ये पड़ी है इस तरह? नहीं ये तो है ब्लैक में चाहिए, लेकिन तो तुम्हारे पास ब्लैक पड़ी हुई? ओ भाई फट गई है वो, इतनी पुरानी थी। ये देखनी ये वाली? नहीं नहीं ये नहीं, ब्लैक ही। तो स्ट्रेचेबल चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं है, अभी आगे से देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं एमटीजे मामा को ईद का सरप्राइज देने के लिए। ये सही लग रहा है। अच्छा मैं आपको अपना सीन बता दूं, मैं इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लोग काफ़ी होते हैं ब्रांड कॉन्शियस और उन्हें बड़ा शौक होता है ब्रांड्स का, लेकिन मुझे इतना नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी नॉर्मल दुकान हो ना तो चलेगी, बस अच्छा होनी चाहिए क्वालिटी। और आपको ये भी बताता चलूं कि मुझे इतना फिरने का भी नहीं शौक कि एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान और इतना ज़्यादा, और मैं बस बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ, बस डिसेंट से कलर जो है ना, बहुत ही कह लो कि ज़्यादा मुझे शौकिया कलर भी नहीं पसंद और डिसेंट से कलर बस पसंद है, तो इस वजह से मैं सिंपल सा ही कलर जो है मैंने लिया है। और इतना मुझे फिरने का शौक नहीं है तो इस वजह से मैंने पहली दुकान से ही ले लिया, वरना मैंने सोचा था कि एम टी जे या जे डॉट वगैरह से भी देख लेंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला, पहले ही पसंद आ गया वो, तो पहले ही ले लिया पहली ही शॉप से। तो अभी मामा के लिए लेते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये लिया मामा के लिए गिफ्ट, पता नहीं उन्हें पसंद आता है नहीं, खैर चलते हैं। अभी आए हैं हम इधर क्रेडोस, थोड़ा पेट पूजा करना है। हाफ सजी 795 की है, फुल 1495 की है। यहाँ से इनकी करते हैं सजी ट्राई और देखते हैं कैसी है। ये है सजी जो कि हम लेके आए हैं। थोड़ा सा स्पाइसी है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये चांद रात का ही व्लॉग होगा नेक्स्ट, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट चांद रात के व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।